जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक विचार है जो अक्सर मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह कभी इधर तो कभी उधर हमेशा टकराता रहता है, और आज मेरे मन में आया कि मैं अपने उस विचार को अपने देशवासियों के साथ बांट लेता हूं। दोस्तों वो विचार है दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के विषय में। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरी समझ है दोस्तों, भारत की अधिकांश जनता शायद इस बात को जानती है कि दिल्ली को अभी तक भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, और अगर मैं इन 70 वर्षों में से 67 साल की बात करूं, 67 ईयर्स की बात करूं, तो दिल्ली की कमान, दिल्ली की बागडोर, दिल्ली की सरकार हमारे देश के दो दिग्गज, दो बहुत बड़े दलों के हाथों में रही है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। 67 साल तक दिल्ली की सरकार को इन्हीं दोनों दलों ने चलाया है, और अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो अभी एक नया दल उभर कर आया है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार को चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर जो विचार है वो किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। विचार यहां पर यह है कि जब जब दिल्ली में चुनाव आता है, तो आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा, जब जब दिल्ली में चुनाव आया है तो चुनाव के दौरान प्रत्येक दल ने, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब फिलहाल हम आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे क्योंकि दिल्ली में सरकार उनके हाथों में है, इन तीनों दलों ने ही हमेशा इस बात को एक चुनावी मुद्दा बनाया है कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हमें दिल्ली की कमान दीजिए, हमें दिल्ली सरकार हमारे हाथों में दीजिए, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब पहली बात तो यहां पर यह है दोस्तों कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना अच्छा है बुरा है, हमें तो इस बात के बारे में मालूम नहीं है क्योंकि हम हैं भारत के एक आम नागरिक। लेकिन हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना शायद अच्छा ही होगा, क्योंकि देश के दो दिग्गज, दो बड़े दल, और अब तीसरे दल की भी बात करते हैं, आम आदमी पार्टी दल, तीनों ही दल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा हाँ करते हैं, और तीनों ही दलों के जो शीर्ष नेता है वो भी अपने भाषण में, अपने चुनाव के दौरान हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो सीधी सी बात है, जब इतने बड़े बड़े शीर्ष नेता इस बात को कहें तो ये एक अच्छी बात ही होगी, क्योंकि दिग्गज जब भी कहेंगे तो कोई अच्छी बात ही कहेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है दोस्तों कि 67 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली सरकार को संभाला है, दिल्ली की कमान को संभाला है, दिल्ली की बागडोर को संभाला है, लेकिन आज तक भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। यानी जो ये कहते हैं कि हमें सत्ता सौंपिए, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वही नहीं दे पा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ पा रही है। अरे भाई, कभी मुसीबत आई थी तो महाभारत में मदद करने के लिए श्री कृष्ण भगवान आए थे, लेकिन इस भारत में तो इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, ये समस्या का समाधान तो आप ही लोग करेंगे जो चुनाव के दौरान भाषण देते हैं। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, जब जब दिल्ली के अंदर चुनाव आता है, जब जब दिल्ली में चुनाव का बिगुल बजता है, तो प्रत्येक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बात को ठोस तरीके से चुनावी मुद्दा बनाते हैं कि हमें जिताइए, हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता सौंपिए, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, दिल्ली की जनता से यह वादा किया जाता है। दोस्तों मैं 3 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को संभाले हुए हैं, मैं फिलहाल उसको रोक करके अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली सरकार 15 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही है, श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार रही है, और उसी दौरान साथ साथ केंद्र में, दिल्ली में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 10 साल तक कांग्रेस की ही सरकार रही है, यानी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी।
माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, बात सभी को मालूम है। दोनों जगह सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाए। बीजेपी ने भी कमाल संभाली दिल्ली की, वो भी नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी भी कमाल संभाले हुए भी है। अब अगर मैं पिछले चुनाव की बात करता हूं दोस्तों, जिस समय आम आदमी पार्टी जीत कर आई और रामलीला मैदान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे नजीब जंग जी के सानिध्य में, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैं उस समारोह का एक आई विटनेस हूं। उस समारोह के अंदर मैं भी मौजूद था। मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के शब्दों को यहां दोहराना चाहूंगा। उन्होंने शपथ लेते समय मंच से यह कहा था कि मैंने दिल्ली की जनता से यह वादा किया है कि मैं अगर सत्ता में आया, अगर दिल्ली की जनता मुझे जिताती है, तो मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। मैं यहां इस मंच से यह घोषणा करता हूं कि मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हमेशा तैयार हूं। और अब केंद्र सरकार से पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, जिसने मेरे साथ साथ ही चुनाव लड़ा था और उसने भी अपना चुनावी मुद्दा यही बनाया था कि अगर हम सत्ता में आए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो हां कह दिया मंच से। तो अब समस्या दोस्तों यहां पर क्या आती है, विचार करने वाला जो मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली में या तो कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है या फिर अब आम आदमी सरकार रही है, तीनों ही इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और तीनों ही चाहते हैं। जब इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, वो चाहते हैं कि हाँ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो अगर तीनों का मत एक है, तीनों एक ही चीज को चाहते हैं, तो विरोधाभास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पर पक्ष और विपक्ष तो अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मान लो मैं पक्ष हूं और आप विपक्ष हैं और दोनों का मत एक ही है, तो पक्ष और विपक्ष का तो बात ही खत्म हो जाती है दोनों को मिलकर। तो इस समय वही मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है और आम आदमी सरकार भी चाहती है, तो दिल्ली को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? चौथा कौन है जो इस समय इसमें रोड़ा अटका रहा है? अरे भाई मिलकर के आप घोषित कर दीजिए ना, अगर आप तीनों ही चाहते हैं तो। और अगर नहीं चाहते हैं तो भैया हमें एक बात बता दीजिए कि इस चुनावी मुद्दे पर बार बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ क्यों बनाया जाता है, बार बार दिल्ली की जनता की भावनाओं से क्यों खेला जाता है, बार बार इसी चुनावी मुद्दे पर दिल्ली की जनता से वोट क्यों मांगा जाता है, क्यों उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, क्यों उनका मूर्ख बनाया जाता है, क्यों उनको पागल बनाया जाता है? अरे आपने देना है तो ठीक है, आपने नहीं देना है तो ठीक है, बार बार इसको चुनावी मुद्दा बनाकर सामने क्यों आ जाते हैं, क्यों दिल्ली की जनता को बार बार वोट के नाम पर ठग लिया जाता है? अब यहां समस्या यही है कि भाई तीनों ही चाहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, अब फिर भी तीनों में विरोधाभास है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, जो सोचने वाली बात है कि फिलहाल दिल्ली में जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उसको जरा जरा सी बात पर कांग्रेस और बीजेपी घेर लेते हैं, इसने ये झूठ बोला, इसने ये झूठ बोला, इन्होंने ये वादे किए थे, कोई सा वादा पूरा नहीं किया। अरे तो हम यही बात तो पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने एक वादा दिल्ली की जनता से और किया था कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा, ये भी दोनों ने वादा किया था। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर दिल्ली सरकार को इस बात पर क्यों नहीं घेरते हैं, दिल्ली सरकार की घेराबंदी इस बात पर क्यों नहीं करते हैं, दिल्ली सरकार की किलेबंदी इस बात पर क्यों नहीं करते हैं, दिल्ली सरकार को इस बात पर झूठा क्यों नहीं ठहराते हैं, दिल्ली सरकार की नींव इस बात पर क्यों हिलाने को तैयार नहीं होते हैं, दिल्ली सरकार का विरोध इसी मुद्दे पर क्यों नहीं करते हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल जी पर दबाव नहीं डालते हैं कि भी आप जनता से झूठ बोलकर आए हुए हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इस मुद्दे पर आखिर बहस क्यों नहीं की जाती, इस बात पर उन्हें झूठा क्यों नहीं ठहराया जाता? तो सोचिए दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? इस बात पर उनका कोई विरोध नहीं कर रहा, इस बात के लिए उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा, इस बात पर उनकी सरकार को हिलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा, इस विचार के माध्यम से जो अपनी भावना जो मैं आपसे कहना चाहता था उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों।
आखिर कौन है जो नहीं चाहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो चाहती है हाँ मिले, बीजेपी भी नहीं है, बीजेपी भी चाहती है कि हाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और आम आदमी पार्टी भी नहीं है, आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अरे जब सभी चाहते हो तो भैया आपको रोक कौन रहा है, कौन रोक रहा है आपको? अरे मिलकर घोषित कर दीजिए ना, क्यों बार बार हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों हमें वोटों के नाम पर ठगा जा रहा है? तो दोस्तों सोचो, समझो, जानो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिलवाड़ तो किया जा रहा है, और हो सकता है एक वर्चस्व की लड़ाई भी हो कि आज अगर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें तो ये वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इसका श्रेय शायद आम आदमी पार्टी को चला जाएगा, क्योंकि फिलहाल दिल्ली की कमान उन्हीं के हाथों में है, और कभी भी कोई दल ये नहीं चाहेगा कि ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर श्रेय की लड़ाई हो रही है, या वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, या देश से कोई मतलब नहीं है, या जनता से कोई मतलब नहीं है, बस जनता को गुमराह करते रहो, पागल बनाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो, ठगते रहो उसको। अगर सच में अरविंद केजरीवाल जी को घेरना है, उनकी सरकार को हिलाना है, उनकी सरकार की नींव को हिला करके फेंकना, उन्हें उखाड़ करके फेंकना है, और उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली को चुना, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा, तो इस मुद्दे पर उनको घेरिए, उनकी किलेबंदी कीजिए, इस मुद्दे पर उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जानते हैं कि इस बात पर उनको झूठा नहीं ठहराया जा सकता, अगर इस बात पर उनका विरोध करना शुरू हो गया तो अरविंद केजरीवाल जी हो सकता है कहते कि भी मैं तो तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन हो सकता उस समय बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाए कि यार ये तो तैयार है, अब हम क्या करें। तो सोचो, समझो, जानो और अपने दिमाग को लगाने की कोशिश करो। जय हिंद दोस्तों, जो मैं कहना चाहता था शायद मेरा वो विचार आप सभी लोगों तक पहुंच गया होगा।